तो ये हमारे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 61 है और यहाँ पे आपको क्लास एक्सरसाइज में जो मार्क्स मिले हैं और फाइनल एग्जाम में जो मार्क्स मिले हैं 10 स्टूडेंट्स को, उसी का डेटा दिया हुआ है और आपको बताना है स्पीयर्समैन कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी कि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट यहाँ पर आपको निकाल के दिखाना है, क्योंकि और ये मार्क्स नहीं मिले हैं, सॉरी ये रैंक है, ये रैंकिंग दी हुई है, इसलिए जब भी रैंक दिया होता है तो रैंक ऑर्डर को दिखाता है, तो ऑर्डर में जब आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं तो आप रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही निकालते हैं। तो इस तरह से इसको आप सोल्व करेंगे, आप ये जैसे एग्जाम और फाइनल एग्जाम का रैंक दिया हुआ है, उसके बाद इन दोनों के डिफरेंस को आप निकालेंगे, इस डिफरेंस को निकालने के बाद ये आपका डिफरेंस हो गया, आप इसका स्क्वायर कर देंगे और उसी को जोड़ देंगे आप, तो यही 24 समेशन डी स्क्वायर हो गया, जो कि फॉर्मूला में होता है, आप देखिए समेशन डी स्क्वायर। और बाकी और कोई चीज़ निकालने की जरूरत नहीं है, 10 आपको पता है, n इज इक्वल टू 10 है और यहाँ तो 6 होगा ही, फॉर्मूला में ऑलरेडी है, और इसी को बस सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए बस यहाँ 24 लिख देना है, n की जगह पे 10 लिख देना है और बाकी इसे सोल्व कर देना है, और सोल्व करने के बाद आपका 0.88855 आएगा। इससे एक क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसे जरूर तैयार रखें और ये बहुत सिंपल भी है, इसमें अगर आपको मार्क्स नहीं मिला तो आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा।